नमस्कार, मेरा नाम रुखसाना है। आज मैं छठवीं कक्षा के असाइनमेंट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जिसका है पार्ट आठ। पार्ट का नाम है ऐसे ऐसे। पहला प्रश्न, अगर हम जाएंगे पहले प्रश्न की तरफ, सो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसे ऐसे पाठ की विधा क्या है? यहाँ पर विधा के बारे में बात की गई है, यानी विधा आप जब पढ़ते हो, आप क्लास में पढ़ते हो, आपके जो चैप्टर आप इंडेक्स देखते हो उसका, तो उसमें क्या रहता है, आप देखते हो, ध्यान देते हो कि कहानी रहता है, किसी में नाटक रहता है, किसी में संस्मरण रहता है, किसी में एकांकी रहता है, जीवनी होता है। सो यहाँ पर विधा यानी वो किस टाइप का है, वो क्या है वो, ठीक है, इन सब में जो मैंने बताया आपको, इन सब में वो क्या है। तो यहाँ पर एकांकी की बात की गई है, यानी एकांकी क्या होता है, एक नाटक का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, उसको कहते हैं एकांकी। सो ऐसे ऐसे पार्ट की विधा क्या है, एकांकी। ऐसे ऐसे पाठ के लेखक का नाम है। अब हम लेखक के बारे में जानकारी थोड़ी लेंगे। लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य में इनका नाम बहुत ही गर्व से लिया जाता है। इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया, इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया। ना लेखक का जन्म, लेखक का जन्म कब हुआ, 21 जून 1912 में इनका गाज़ियाबाद में इनका जन्म हुआ था, मीरापुर में। लेखक की मृत्यु 11 अप्रैल 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम कहानी की तरफ चलते हैं, या उस एकांकी की तरफ हम चलते हैं। उसमें क्या बताया गया कि उस दीनानाथ, और दीनानाथ कौन थे, तो दीनानाथ उसी एकांकी के एक पात्र हैं, ठीक है। सो उनके मोहन के पड़ोसी थे। मोहन की उम्र कितनी होगी, यानी मोहन की उम्र 8 से 9 वर्ष के लगभग होगी। अब यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है। मुहावरा वो होता है, यानी एक वाक्य का अंश होता है मुहावरा, यानी पूरा वाक्य, वो कंप्लीट वाक्य नहीं होता है, उसका अंश होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मुहावरे में एक और चीज़ है कि मुहावरे में जो शब्द दिया जाता है, उस शब्द का शाब्दिक अर्थ या सेम टू सेम उसका अर्थ नहीं होता है, उससे हटकर कुछ अर्थ दिया जाता है, ठीक है, वो है मुहावरा। हम हमेशा बातों में बोलते हैं, जैसे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो पेट में चूहे कूद रहे हैं मतलब इसका शाब्दिक अर्थ पेट में चूहे कूद रहे हैं ऐसा नहीं होता, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना। सो वैसे ही यहाँ पर एक मुहावरा दिया है, कल नहीं पढ़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है, कल नहीं पढ़ना, कल का मतलब तो कुछ और होता है, पर यहाँ पर दिया है चैन नहीं मिलना, ठीक है। आपको जैसे कुछ, आपको बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, आपको चैन नहीं मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो आप ये शब्द, कल नहीं मिलना। सो मोहन की माँ के अनुसार यह ऐसे ऐसे कैसी बीमारी थी। जब मोहन ने अपनी माँ को बताया कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसकी माँ घबरा गई कि ये क्या बीमारी है, ठीक है। सो वो डर गई कि ये क्या ऐसे ऐसे कुछ, वो डर गई, बहुत डर गई कि ये ऐसे ऐसे कुछ खतरनाक बीमारी है, ठीक है। सो वो बड़ी खराब बीमारी है, उसकी माँ के अनुसार ये बीमारी बहुत खराब बीमारी है। सो ये था हमारा आज का असाइनमेंट। धन्यवाद।